इस वीडियो में मैं इमेज को स्ट्रेट कैसे करनी है वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्रॉप टूल सिलेक्ट करता हूँ या तो सी से या तो टूल बार में से। ये क्रॉप टूल मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे है स्ट्रेटन ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ। तो ये हो गई स्ट्रेटन इमेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी ट्रांसपेरेंट यहाँ पे दूसरा कोई लेयर नहीं है और इमेज ये स्ट्रेट हो गई है। ये पहला ऑप्शन था, मतलब इससे हम इमेज को सीधी कर सकते हैं। इसको मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ। दूसरा वे यहाँ पे है, वापस क्रॉप टूल को सिलेक्ट कर लो और यहाँ पे आप बाहर आएंगे तो यहाँ पे एक डबल हेडेड एरो आएगा, जिसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ग्रिड व्यू आ जाएगा और यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इससे भी आप इमेज को स्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। थर्ड वे है यहाँ पे रूलर टूल का, वो यहाँ पे आई ड्रॉप के अंदर नेस्टेड है। ये रहा, तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। और अगर सिंगल लेयर है तो स्ट्रेट लेयर यहाँ से कर सकते हैं, और अगर आपको मल्टी लेयर मतलब करना है स्ट्रेट, तो इमेज में जाके, इमेज रोटेशन में जाके, आर्बिट्री में जाके यहाँ पे आ जाएगा। एंगल जो है ऑटोमेटिकली ले लेता है और मैं ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी देख सकते हैं। यहाँ पे फोटोशॉप ने क्या किया कि ये जो है कैनवास साइज यहाँ पे बढ़ा दी इमेज को स्ट्रेटन करने के लिए। तो ये है तीनों मेथड इमेज को स्ट्रेट करने के लिए। दोस्तों, और भी कोर्सेज जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ, तो देखते रहिए विलिंग टू लर्न को, और नए कोर्सेज के अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए विलिंग टू लर्न को, और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।